नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए आज सुबह से ही मतदान जारी है। लगातार लोग घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। बिहार में 21.11% मतदान हुआ है। लखनऊ में 22.11% मतदान। मोहनलालगंज में 28.52% मतदान। जौरान की बात करें तो जौलान में 26.97% मतदान हुआ है। बिहार में 21.11%, झारखंड में 26.18%, महाराष्ट्र में 15.93%, उड़ीसा में 21.07%, उत्तर प्रदेश में 27.76%, पश्चिम बंगाल में 32.70%, जम्मू कश्मीर में 21.37%, लद्दाख में 27.87% मतदान हुआ है अभी 11 बजे तक। आपको बता दें 11 बजे तक मतदान कुल 23.66%। आपको बता दें 11 बजे तक मतदान 23.66% मतदान हुआ है बिहार में। वहीं यूपी की बात की जाए तो लखनऊ में 22.11%, मोहनलालगंज में 28.52%, रायबरेली में 28.10%, अमेठी में 27.20% मतदान हुआ है 11 बजे तक। जालौन में 26.97% मतदान। झांसी में 29.82% मतदान। हमीरपुर में 28.24% मतदान। बांदा में 29.25% मतदान हुआ है 11 बजे तक। लगातार वोटिंग जारी है, पांचवें चरण का मतदान हो रहा है। आज कई जिलों में मतदान हो रहा है। फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, लगातार यहां पर लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी में कुल मतदान 27.76% हुआ है 11 बजे तक। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। अमेठी में 11 बजे तक 27.12% मतदान हो चुका है। रायबरेली में 11 बजे तक 27.82% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी में मतदान हुआ है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मतदान प्रतिशत अभी तक का कितना बताया जा रहा है यूपी में? देखिए जी, ओवरऑल मतदान प्रतिशत है जो कि 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, 27% के आसपास की मतदान प्रतिशत है जी। लेकिन यहाँ पे जो बाराबंकी सीट है या फैजाबाद है, मोहनलालगंज सीट ले लें, यहाँ पे जो पोलिंग परसेंटेज है वो 30% के आसपास है और जो बाकी जो सीटें हैं उन पर जरूर मतदान प्रतिशत गिरा है। और लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 22.11% मतदान अब तक हुआ है 11 बजे तक। जरूर ये मतदान प्रतिशत अब लगातार जिस तरह से हम देख रहे थे शुरुआत में तेजी पकड़े हुए था और जिस तरह से अब दिन चल रहा है और धूप बढ़ी हुई है उसका असर अब साफ तौर से मतदान प्रतिशत पे दिखाई दे रहा है। और हमने सुबह देखा कि तमाम जो पोलिंग बूथ पे वोटर लंबी कतारें दिख रही थी वो अब छटती हुई दिख रही है। अब जाहिर तौर पर गर्मी का खासा असर है यहाँ पर और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने मॉडल बूथ बनाए हैं उन पर लोगों को लाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। लोगों तक ये जो वोटर स्लिप भी जो बात की जा रही है, वोटर स्लिप पहुंचने में दिक्कत आई जिसकी वजह से तमाम लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये भी समस्या सामने आई है जिसकी वजह से लोग वोट करने नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तैयारी की गई है उससे लगता है कि आने वाले वक्त में ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल जो है पोलिंग परसेंटेज 11 बजे तक 27.27% है जी। अनुराग, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। देश में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मत का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि लगातार लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। नवदीप रीढ़वा ने भी मतदान किया है। आपको बता दें कि लगातार लोग घर से बाहर निकलकर मतदान
कर रहे हैं। नवदीप रीड़वा ने भी मतदान किया है। देश में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। बछरावा पहुंचे राहुल गांधी। आपको बता दें कि रायबरेली के बछरावा पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि रायबरेली के बछरावा राहुल गांधी पहुंच चुके, पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी कर रहे हैं राहुल गांधी। हनुमान मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा। आपको बता दें कि रायबरेली के बछरावा पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, मंदिर में पूजा भी की है। बछरावा पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, जहां बूथों का निरीक्षण भी कर रहे हैं राहुल गांधी। पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको बताते चलें कि रायबरेली के बछरावा पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, हनुमान मंदिर में पूजा भी की है राहुल गांधी ने। रायबरेली के बछरावा पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, जहां उन्होंने बूथों का निरीक्षण भी किया है और साथ ही हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी। हनुमान मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा भी की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, राहुल गांधी रायबरेली के बछरावा पहुंच चुके हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, राहुल गांधी बछरावा पहुंचे हैं और तमाम पोलिंग बूथों पे आज वो निरीक्षण करेंगे। रायबरेली के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी, उनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी दिनेश सिंह से है। और लगातार जहां जहां से ईवीएम के खराब होने की शिकायत आई है, बछरावा विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पे ऐसा हुआ है। इसके अलावा हरचंदपुर की बात करें या फिर ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तमाम विधानसभाओं से जो ईवीएम के खराब होने की सूचना है वो आई है, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जगह जगह बूथों पे अब पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और इसी क्रम में वो देखिए पछतावा पहुंच चुके हैं और लगातार पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद प्रत्याशी है रायबरेली से, तो वो आज यहाँ पे इस तरह से लगातार निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जगह जगह अब राहुल गांधी आज पूरे दिन जो है दौरा करेंगे, विभिन्न पोलिंग बूथों का निरीक्षण आज राहुल गांधी द्वारा किया जाएगा। जी जी, अभिनव, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कई जगह ईवीएम के खराब होने की सूचना, रायबरेली में कई जगह ईवीएम के खराब होने की सूचना आ रही है। सुबह से 20 से ज्यादा ईवीएम निकल चुकी है खराब। आपको बता दें कि रायबरेली में ईवीएम खराब होने की सूचना आ रही, 20 से ज्यादा ईवीएम खराब निकल चुकी है। खराब ईवीएम को प्रशासन बदल रहा है। रायबरेली में ईवीएम के खराब होने की सूचना आई है। ईवीएम के खराब होने से मतदान में देरी हो रही है। प्रशासन की तरफ से ईवीएम को बदला जा रहा है। अमेठी में भी कई जगह ईवीएम के खराब होने की सूचना आई है। बताते चले, अमेठी में भी ईवीएम के खराब होने की सूचना आई है। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बताते चले कि यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है और लोग घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुषमा खरगवाल ने भी वोट डाला है। आपको बता दें कि सुषमा खरगवाल ने भी वोट डाला है। राष्ट्रीय चरण का मतदान हो रहा है। मुंह में का नीचे, इन्हें नीचे करो भाई। 14 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़ रहे हैं लगभग। वोटर आज और हमारा अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है 9 बजे का, लगभग 14% के आसपास। आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो, सब आईडी नीचे करो, नीचे करो, पीटीआई नीचे नीचे करिए। आईडी कम दिख रहा है और आगे भी उम्मीद है अभी मतदान बढ़ेगी स्पीड। और इस बार 2019 के मुकाबले इस चरण के लोकसभा क्षेत्रों में ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें, यही हमारी सबसे अपील है।
और कोई बात पूछनी नहीं है ना, हो गया। अब तो कुछ नहीं पूछना है ना, ठीक है। क्या उम्मीद है बीजेपी प्रशासन? अब देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। नहीं, सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा इस समय। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने वोट डाला है। ऑक्सफोर्ड स्कूल में किया मतदान। में वोटिंग हो रही है और अभी मैंने भी वोट डाला है, और मेरी सबसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने घरों से निकल के वोट डालें और अपने एक ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत पेश करें। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो, यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत हो, तो हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वोट के ज़रिए से अपने इस हक़ को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अदा करें। मैं वोटिंग हो रही है और अभी मैंने भी वोट डाला है, और मेरी सबसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने। हेमा मालिनी और ईशा देओल ने भी वोट डाला है। बताते चले, हेमा मालिनी और ईशा देओल ने भी वोट डाल दिया है, अपने मत का इस्तेमाल किया है। हेमा मालिनी और ईशा देओल ने 400 पार का सपना होगा पूरा, हेमा मालिनी ने कहा है। हेमा मालिनी ने कहा कि 400 पार का सपना पूरा होगा। एक एक वोट मायने रखता है, ईशा देओल ने कहा है। ईशा देओल ने कहा है कि एक एक वोट मायने रखता है। मतदाताओं से वोट डालने की अपील भी की है ईशा देओल। हेमा मालिनी ने जनता से वोट डालने की अपील की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने किया मतदान। आपको बताते चले, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने मतदान किया है। ब्रजलाल खाबरी ने वोट डाला है। ब्रजलाल खाबरी ने वोट डाला है, अपने मत का इस्तेमाल किया है ब्रजलाल खाबरी ने। जिला उद्योग केंद्र के बूथ संख्या 351 पर मतदान किया है। ब्रजलाल खाबरी का बड़ा बयान भी सामने आया है। यूपी में इंडिया गठबंधन 65 सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि, आपको बताते चले, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने मतदान किया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान, पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। babasahibshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस्ड न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172।